नमस्कार दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप मोरल एंड मोटिवेशन कहानी सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल एम्पावर द लाइफ पर आ सकते हैं। आपका वहाँ स्वागत है। द गोल्डन स्टोरीज में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मनोवृत्ति। एक सुंदर युवती प्रातःकाल गांधी पार्क में बिल्लोर के बेंच पर गहरी नींद में सोई पाई जाए, यह चौंका देने वाली बात है। सुंदरियां पार्कों में हवा खाने आती हैं, हंसती हैं, दौड़ती हैं और फूल पौधों से खेलती हैं। किसी का इधर ध्यान नहीं जाता, लेकिन कोई युवती रविश के किनारे वाले बेंच पर बेखबर सोए, वह बिल्कुल गैरमामूली बात है, अपनी ओर बलपूर्वक आकर्षित करने वाली। रविश पर कितने ही आदमी चहलकदमी कर रहे हैं, बूढ़े भी जवान भी, सभी एक क्षण के लिए वहीं ठिठक जाते हैं। एक नज़र वह दृश्य देखते हैं और तब चले जाते हैं। युवक वृंद रहस्य भाव से मुस्कुराते हुए, वृद्ध जन चिंता भाव से सिर हिलाते हुए और युवतियां लज्जा में आंखें नीची किए हुए। बसंत और हाशिम निक्कर और बनियान पहने नंगे पांव दौड़ रहे हैं। बड़े दिन की छुट्टियों में ओलंपियन रेस होने वाली है, दोनों उसी की तैयारी कर रहे हैं। दोनों इस स्थल पर पहुंचकर रुक जाते हैं और तभी आंखों से युवती को देखकर आपस में ख्याल दौड़ाने लगते हैं। बसंत ने कहा, इसे और कहीं सोने की जगह ना मिली? हाशिम ने जवाब दिया, कोई वैश्या है। लेकिन वैश्याएं भी तो इस तरह बेशर्मी नहीं करती। वैश्या अगर बेशर्म ना हो तो वे वैश्या नहीं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनमें कुलवधु और वैश्या दोनों एक व्यवहार करती हैं। कोई वैश्या मामूली तौर पर सड़क पर सोना नहीं चाहती। रूप छवि दिखाने का नया आर्ट है। आर्ट का सबसे सुंदर रूप छिपाव है, दिखाव नहीं। वैश्या इस रहस्य को खूब समझती है। उसका छिपाव केवल आकर्षण बढ़ाने के लिए है, हो सकता है, मगर केवल यहां सो जाना यह प्रमाणित नहीं करता कि यह वैश्या है। अरे, इसकी मांग में सिंदूर है। वैश्याएं अवसर पड़ने पर सौभाग्यवती बन जाती हैं। रात भर प्याले के दौड़ चले होंगे, काम क्रीड़ाएं हुई होंगी, अवसाद के कारण ठंडक पाकर सो गई होगी। मुझे तो कुलवधु सी लगती है। कुलवधु पार्क में सोने आएगी? हो सकता है घर से रूठ कर आई हो, चलकर पूछ ही क्यों ना ले। निरे अहमक हो, बगैर परिचय के आप किसी को जगा कैसे सकते हैं? अजी, चलकर परिचय कर लेंगे, उल्टे और एहसास जताएंगे, और जो कहीं झिड़क दे, झिड़कने की कोई बात भी हो, उससे सौजन्य और सहृदयता में डूबी हुई बातें करेंगे। कोई युवती ऐसी गत यौवनाएं तक तो रस भरी बातें सुनकर फूल उठती हैं, यह तो नव यौवना है। मैंने रूप और यौवन का ऐसा सुंदर संयोग नहीं देखा था। मेरे हृदय पर तो ये रूप जीवन पर्यंत के लिए अंकित हो गया, शायद कभी ना भूल सकूं। मैं तो फिर भी यही कहता हूं कि कोई वैश्या है। रूप की देवी वैश्या भी हो, उपास्य है। यहीं खड़े खड़े कवियों की सी बातें करोगे? जरा वहां तक चलते क्यों नहीं? केवल खड़े रहना, पास तो मैं डालूंगा। कोई कुलवधु है। कुलवधु? कुलवधु पार्क में आकर सोए तो इसके सिवा कोई अर्थ नहीं कि वह आकर्षित करना चाहती है, और यह वैश्या मनोवृत्ति है। आजकल की युवतियां भी तो फॉरवर्ड होने लगी हैं। फॉरवर्ड युवतियां युवकों से आंखें नहीं चुराती। हाँ, लेकिन है कुलवधु। कुलवधु से किसी तरह की बातचीत करना मैं बेहूदगी समझता हूं। तो चलो फिर दौड़ लगाएं। लेकिन दिल में वह मूर्ति दौड़ रही है, तो आओ बैठें। जब वह उठकर जाने लगे तो उसके पीछे चलें।
मैं कहता हूँ वैश्या है वैश्या, और मैं कहता हूँ कुलवधू है, तो दस की बाजी रही। दो वृद्ध पुरुष, दो वृद्ध पुरुष धीरे धीरे जमीन की ओर ताकते आ रहे हैं, मानो खोई जवानी ढूंढ रहे हों। एक की कमर झुकी, बाल काले, शरीर स्थूल, दूसरे के बाल पके हुए पर कमर सीधी, एक हरा शरीर। दोनों के दांत टूटे पर नकली लगाए, दोनों की आंखों पर ऐनक। मोटे महाशय वकील हैं, छरहरे महोदय डॉक्टर। वकील, देखा ये 20वीं सदी का करामात। डॉक्टर, जी हाँ देखा, हिंदुस्तान दुनिया से अलग तो नहीं है, लेकिन आप इसे शिष्टता तो नहीं कह सकते। शिष्टता की दुहाई देने का अब समय नहीं है, किसी भले घर की लड़की। वैश्या है साहब, आप इतना भी नहीं समझते। वैश्या इतनी फूहड़ नहीं होती। और भले घर की लड़की फूहड़ होती है? क्या आजादी है, नया नशा है। हम लोगों की तो बुरी भली कट गई, जिनके सिर आएगी वह झेलेंगे, जिंदगी जहन्नुम से बदतर हो जाएगी। अफसोस जवानी रुखसत हो गई, मगर आंखें तो नहीं रुखसत हो गई, वह दिल तो नहीं रुखसत हो गया। बस आंखों से देखा करो, दिल जलाया करो। मेरा तो फिर से जवान होने को जी चाहता है। सच पूछो तो आजकल के जीवन में ही जिंदगी की बाहर है। हमारे वक्त में तो कहीं कोई सूरत ही नजर नहीं आती थी, आज तो जिधर जाओ उधर हुस्न ही हुस्न के जलवे हैं। सुना, युवतियों को दुनिया में जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत है वह बूढ़े मर्द हैं। मैं इसका कायल नहीं, पुरुष का जौहर उसकी जवानी नहीं। कितने ही बूढ़े जवानों से ज्यादा अड़ियल होते हैं, मुझे तो आए दिन इसके तजुर्बे होते हैं। मैं ही अपने को किसी जवान से कम नहीं समझता। यह सब सही है, पर बूढ़ों का दिल कमजोर हो जाता है। अगर यह बात ना होती तो इस रमणी को इस तरह देखकर हम लोग यूं ना चले जाते। मैं तो आंखों भर देख भी ना सका, डर लग रहा था कि कहीं उसकी आंखें खुल जाए और वह मुझे ताकते देख ले तो दिल में क्या समझे। खुश होती कि बूढ़े पर भी उसका जादू चल गया। अजी रहने भी दो, आप कुछ दिनों आकोसा का सेवन कीजिए। अरे चंद्रोदय खाकर देख चुका है, सब लूटने की बातें हैं। भाई मंकी ग्लैंड लगवा लीजिए ना। आप इस युवती से मेरी बात पक्की करा दें, मैं तैयार हूं। हाँ हाँ यह मेरा जिम्मा, मगर भाई हमारा भी हिस्सा रहेगा। अर्थात यह कि कभी कभी मैं भी आपके घर आकर अपनी आंखें ठंडी कर लिया करूंगा। अगर आप इस इरादे से आए तो मैं आपका दुश्मन हो जाऊंगा। ओहो आप तो मंकी ग्लैंड का नाम सुनते ही जवान हो गए। मैं तो समझता हूं यह भी डॉक्टरों ने लूटने का एक तरीका निकाला है। सच? अरे साहब इस रमणी के स्पर्श में जवानी है, आप हैं किस फेर में, उसके एक एक अंग में, एक एक मुस्कान में, एक एक विलास में जवानी भरी हुई है। न 100 मंकी ग्लैंड, न 1 रमणी का बाहुपाश। अच्छा अच्छा कदम बढ़ाइए, मुवक्किल आकर बैठे होंगे। यह सूरत याद रहेगी। फिर आपने याद दिला दी, वह इस तरह सोई है इसलिए कि लोग उसके रूप को, उसके अंग विन्यास को, उसके बिखरे हुए केशों को, उसकी खुली हुई गर्दन को देखें और अपनी छाती पीटें। इस तरह चले जाना उसके साथ अन्याय है। वह बुला रही है और आप भागे जा रहे हैं। भाई हम जिस तरह दिल से प्रेम कर सकते हैं जवान कभी कर सकता है? बिल्कुल ठीक, मेरा तो ऐसी औरतों से वास्ता पड़ चुका है,
जो रसिक बूढ़ों को खोजा करती हैं। जवान तो छिचोरे, उच्छृंखल, अस्थिर और गर्वीले होते हैं। वे प्रेम के बदले कुछ चाहते हैं, यहाँ निस्वार्थ भाव से आत्मसमर्पण करते हैं। आपकी बातों से दिल में गुदगुदी हो गई, मगर एक बात याद रखिए, कहीं उसका कोई जवान प्रेमी मिल गया तो मिला करे, यहाँ ऐसों से नहीं डरते। आपकी शादी की कुछ बातचीत थी तो? हाँ थी, मगर जब अपने लड़के दुश्मनी पर कमर बांधे तो क्या हो, मेरा लड़का यशवंत तो बंदूक दिखाने लगा। यह जमाने की खूबी है। अक्टूबर की धूप तेज हो चली थी, दोनों मित्र निकल गए। दो देवियां, एक वृद्धा, दूसरी नवयौवना, पार्क के फाटक पर मोटर से उतरी और पार्क में हवा खाने आई। उनकी निगाह भी उस नींद की मारी युवती पर पड़ी। वृद्धा ने कहा, बड़ी बेशरम है। नवयौवना ने तिरस्कार भाव से उसकी ओर देखकर कहा, ठाट तो भले घर की देवियों के हैं। बस ठाट ही देख लो, इसी से मर्द कहते हैं, स्त्रियों को आजादी ना मिलनी चाहिए। मुझे तो वैश्या मालूम होती है। वैश्या ही सही, पर उसे इतनी बेशर्मी करके स्त्री समाज को लज्जित करने का क्या अधिकार है? देखो कैसे मजे से सो रही है, मानो अपने घर में है। बेहयाई है, मैं पर्दा नहीं चाहती, पुरुषों की गुलामी नहीं चाहती, लेकिन औरतों में जो गौरवशीलता और सज्जनता है उसे नहीं छोड़ती। मैं किसी युवती को सड़क पर सिगरेट पीते देखती हूँ तो मेरे बदन में आग लग जाती है, उसी तरह आधी का जम्फर भी मुझे नहीं सुहाता। क्या अपने धर्म की लाज छोड़ देने ही से साबित होगा कि हम बहुत फॉरवर्ड हैं? पुरुष अपनी छाती या पीठ खोले तो नहीं घूमते। इसी बात पर बाई जी, जब मैं आपको आड़े हाथों लेती हूँ तो आप बिगड़ने लगती हैं। पुरुष स्वाधीन है, वे दिल में समझता है कि मैं स्वाधीन हूँ, वह स्वाधीनता का स्वांग नहीं भरता। स्त्री अपने दिल में समझती रहती है कि वह स्वाधीन नहीं है, इसीलिए वे अपनी स्वाधीनता का ढोंग करती है। जो बलवान है वे अकड़ते नहीं, जो दुर्बल हैं वही अकड़ करते हैं। क्या आप उन्हें अपने आंसू पोंछने के लिए इतना अधिकार भी नहीं देना चाहती? अब भाई मैं तो कहती हूँ, स्त्री अपने को छिपाकर पुरुष को जितना नचा सकती है, अपने को खोलकर नहीं नचा सकती। स्त्री ही पुरुष के आकर्षण की फिक्र क्यों करे? पुरुष क्यों स्त्री से पर्दा नहीं करता? अब मुंह ना खुलवाओ मीनू, इस छोकरी को जगाकर कह दो जाकर घर में सोए, इतने आदमी आ जा रहे हैं और यह निर्लज्जा टांग फैलाए पड़ी है, यहाँ नींद कैसे आ गई? रात कितनी गर्मी थी पाई जी, ठंडक पाकर बिचारी की आंखें लग गई होगी। रात भर यहीं रही है, कुछ कुछ बदती है। मीनू युवती के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर हिलाती है। यहाँ क्यों सो रही हो देवी जी, इतना दिन चढ़ाया, उठकर घर जाओ। युवती आंखें खोल देती है। ओहो, इतना दिन चढ़ाया, क्या मैं सो गई थी? मेरे सिर में चक्कर आ जाया करता है, मैंने समझा शायद हवा से कुछ लाभ हो, यहाँ आई, पर ऐसा चक्कर आया कि मैं इस बेंच पर बैठ गई, फिर मुझे होश ना रहा, अब भी मैं खड़ी नहीं हो सकती, मालूम होता है मैं गिर पड़ूंगी। बहुत दवा की पर कोई फायदा नहीं होता, आप डॉक्टर श्यामनाथ को जानती होंगी, वे मेरे ससुर हैं। युवती ने आश्चर्य से कहा, अच्छा, यह तो अभी इधर ही से गए हैं। सच, लेकिन मुझे पहचान कैसे सकते हैं, अभी मेरा कूना नहीं हुआ है। तो क्या आप उनके लड़के बसंतलाल की धर्मपत्नी हैं? युवती ने शर्म से सिर झुकाकर स्वीकार किया। मीनू ने हंसकर कहा, बसंतलाल तो अभी इधर ही से गए हैं,
मेरा उनसे यूनिवर्सिटी का परिचय है। अच्छा, लेकिन मुझे उन्होंने देखा कहाँ है? तो मैं दौड़कर डॉक्टर को खबर दे दूँ? जी नहीं, किसी को बुलाइए। बसंत लाल भी वहीं खड़ा है, उसे बुला दूँ? तो चलो, अपने मोटर पर तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूँ। आपकी बड़ी कृपा होगी। किस मोहल्ले में? बेगमगंज मिस्टर जयराम के घर। मैं आज ही मिस्टर बसंत लाल से कहूंगी। मैं क्या जानती थी कि वे इस पार्क में आते हैं? मगर कोई आदमी साथ ले लिया होता। किस लिए? कोई जरूरत ना थी। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी मनोवृत्ति, यानी मन की वृत्ति, मन के विचार। इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद जी ने बताया है कि जैसे हमारे मन के विचार होंगे, हमारी सोच होगी, हम दूसरे इंसान का आंकलन भी अपने विचारों के आधार पर करेंगे। दूसरों के प्रति हम कैसी सोच रखते हैं, कैसी भावनाएं रखते हैं, यह हमारी सोच बताती है। हम अपनी सोच के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति का निर्णय करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जब तक आप किसी व्यक्ति की परिस्थिति और उस व्यक्ति से परिचित ना हो, तब तक उसके बारे में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए। साथ ही मुंशी प्रेमचंद जी ने समाज और समाज के लोगों पर व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है कि हम सभी स्वतंत्रता की बात करते हैं, स्त्री स्वतंत्रता की बात करते हैं, किंतु हम स्त्री को कभी स्वतंत्र नहीं रहने देते। वह अपने अनुसार अपनी जिंदगी नहीं जी सकती। अगर कोई स्त्री अपनी मर्जी से पार्क में भी सो जाती है, तो हम उसके बारे में कितना गलत सोचते हैं, यहाँ तक कि उसे वेश्या की उपाधि दे देते हैं, यहाँ तक कि हम उसे वेश्या कहते हैं। क्या सिर्फ पार्क में सो जाने से ही कोई स्त्री वेश्या हो जाती है? हमारी सोच कितनी विकृत है। वृद्ध, जवान, पढ़े लिखे पुरुष, स्त्रियां, सभी की सोच कितनी विकृत है। पढ़े लिखे होने पर भी एक स्त्री स्त्री की दुश्मन हो जाती है। एक स्त्री ही स्त्री की स्वतंत्रता पर बंधन लगाती है, स्त्री की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े करती है। जब तक हमारे समाज की सोच नहीं बदलती, तब तक कोई भी स्त्री पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हो सकती। तो पहले हमें अपनी सोच को स्वतंत्र करना होगा, तभी हमारे समाज में स्त्री पूरी तरह से स्वतंत्र हो पाएगी। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।